नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। और आज की वीडियो का टॉपिक कमेंट के ऊपर है। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारी गायें जो है लंबी हीट रखती हैं और दो बार एआई करा भी दी है फिर भी नहीं रुकी है, तो उसकी वजह होती है सिस्टिक ओवरी। तो जे वेटनरी डॉक्टर से आप अपनी गायें की जो बच्चेदानी की ओवरी है उसको अच्छे से चेक करवा लो। अगर सिस्ट है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि कौन सी टाइप की सिस्ट है, क्योंकि सिस्ट भी जो है दो तीन टाइप की होती है गाय की उबरी के ऊपर। तो जैसी भी सिस्ट होगी गाय की उबरी के ऊपर, तो डॉक्टर जो है बच्चेदानी को चेक करके अच्छे बढ़िया ट्रीटमेंट बता देगा। और वैसे जो हम करते हैं ट्रीटमेंट, जो गायें लंबी हीट में रहती हैं और बार बार हीट में आती हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं 5 ml रिसेप्टर 0 day। जब लगाना है उसको हमने मान लेना है 0 day, और फिर अगले पांचवें दिन फिर 5 ml रिसेप्टर लगाना है। अगर जो गायें हमारी जहाँ हीफर है उसका डिस्चार्ज गंदा आ रहा है तो उसकी जो ज्यूटस क्लीनिंग करवानी है वो करवा लो। अगर डिस्चार्ज अच्छा है तो ज्यूटस क्लीनिंग करवाने की जरूरत नहीं है, खाली उसको छोड़ दो। फिर जब वो हीट पे आए तो तब उसकी जो एआई करवा दो, ताकि उसकी जो सिस्टिक ओवरी है वो सही हो जाए। और जब भी आपने अपनी गाय की, भैंस की या हीफर्स की एआई करवानी होती है तो डॉक्टर को ये जरूर बोलो कि जो हमारी गाय हीफर है जिसकी भी एआई करवा रहे हो उसकी बच्चेदानी की मसाज जरूर करवाओ, क्योंकि मसाज करने से कि आपकी जो गाय है वो ज्यादा प्रेग्नेंट हो। रिसेप्टर लगाना है आपने 0 day पे 5 ml, और फिर 5वें दिन पर फिर 5 ml, और उसके बाद आपने छोड़ना है। और फिर गाय हीट में आए तो उसकी जो एआई है वो करवा देनी है। और इससे ऐसे भी कर सकते हो, और अपने वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी जो गाय है, भैंस है, हीफर है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छे से करवा सकते हो। और जो डॉक्टर होते हैं वो अच्छे से जब ओवरियां चेक कर लेंगे, बच्चेदानी को चेक कर लेंगे, तो बढ़िया ट्रीटमेंट करेंगे। तो मेरी यही सलाह है कि आप अपने अच्छे वेटनरी डॉक्टर, जिससे भी आप अपने पशु की एआई करवाते हो, उसकी सलाह के अनुसार उसका जो ट्रीटमेंट है वो करवाओ, ताकि आपकी गायें गबन हो जाए और आपका नुकसान ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।